हेलो एवरीवन, तो अपने आज के इस वीडियो में हम टैली में ट्रायल बैलेंस पर बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन से डिस्प्ले पर आएंगे और यहां से फिर आप ट्रायल बैलेंस पर आएंगे या आप कीबोर्ड से टी प्रेस कर देंगे। टी जो है वो ट्रायल बैलेंस की शॉर्टकट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस की विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है। एक्चुअली ट्रायल बैलेंस जो है वो आपको आपके अकाउंट्स ग्रुप लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर शो कर देता है। इसी तरीके से इसमें आपको आपके सारे एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऑनर्स कैपिटल अकाउंट एटसेट्रा, ये सब आप यहाँ ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको अकाउंट्स ग्रुप शो हो रहे हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, लोन्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एटसेट्रा। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर इन्हें डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आप यहाँ पर राइट साइड में आएंगे और यहाँ से डिटेल पर क्लिक कर देंगे या आप कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे ऑल्ट F1। तो इस तरीके से अब आप यहाँ ट्रायल बैलेंस को डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर शो हो गया है। इसी तरीके से आप यहाँ फिक्स्ड एसेट्स देख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ सेल्स अकाउंट्स में देखेंगे, यहाँ आपको IGST सेल और सेल्स यहाँ पर शो हो गई है। फिर ऐसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो हो गए हैं। तो इस तरीके से आप डिटेल्ड में ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं। इसके बाद अब जैसे अगर आप इसे फिर से कंडेंस्ड करना चाहते हैं तो अगेन आप यहाँ पर राइट साइड में आएंगे और यहाँ से कंडेंस्ड पर क्लिक कर देंगे या आप कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे ऑल्ट F1। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है पीरियड। इट मींस अगर आप पर्टिकुलर डेट तक का ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से पीरियड पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2। और अब आप यहाँ पर वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट से जिस डेट तक का आप ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं कि हम 1 अप्रैल 2018 से 1 जुलाई 2018 तक का ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे जो डेट हमने वहां पर मेंशन की है 1 अप्रैल 2018 से 1 जुलाई 2018 तक का वो ट्रायल बैलेंस यहां पर हमें शो हो गया है। तो वापस हम यहां पर इसका पीरियड फिर से वही कर देते हैं जो पहले था। इसके बाद अगेन हम डिटेल पर क्लिक करते हैं और अब अगर आप यहाँ पर चाहें तो पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप की फर्दर डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सेल्स पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको सेल की लेजर मंथली समरी शो हो जाएगी। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको इसका ग्राफ भी शो हो जाएगा। और अब अगर आप यहाँ पर भी एंटर की प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आपको लेजर वाउचर्स शो हो जाएगा। और फिर से अगर आप यहाँ एंटर की प्रेस करते हैं तो इस तरीके से ये आपको अकाउंटिंग वाउचर पर ले आएगा। और अब आप एस्केप की प्रेस करके वापस ट्रायल बैलेंस पर आ सकते हैं। और अगेन हम यहाँ पर इसे कंडेंस कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है लेजर वाइज। इट मींस अगर आप अपना ट्रायल बैलेंस लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ से या तो आप लेजर वाइज पर क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से आपको लेजर वाइज ट्रायल बैलेंस शो हो जाएगा। और अगर अब आप इसे फिर से ग्रुप करना चाहते हैं तो अगेन या तो आप यहाँ F5 की प्रेस कर देंगे या फिर यहाँ से ग्रुप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब जैसे कि अगर आप यहाँ से किसी लाइन को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ से करंट एसेट्स इस लाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव लाइन का। आप इस पर क्लिक कर देंगे या आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट R। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो सेलेक्टेड लाइन है वो रिमूव हो गई है। और अब अगर आप चाहते हैं वो लाइन फिर से वापस आ जाए तो इसके लिए आप यहाँ रीस्टोर लाइन पर क्लिक कर देंगे या फिर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ऑल्ट U। तो जो लाइन हमने रिमूव की थी आप देख सकते हैं वो लाइन यहाँ वापस रीस्टोर हो गई है। इसके बाद अब जैसे कि अगर आप यहाँ ट्रायल बैलेंस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप कीबोर्ड से F12 की प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा और अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाहते हैं और किसे नहीं देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शो हो तो यहाँ पर इसे यस कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजैक्शंस भी आपको शो हो तो इसे भी यस करते हैं। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है शो क्लोजिंग बैलेंसेस। अगर आप चाहते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस आपको शो ना हो तो आप इसे नो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे यस रहने देंगे। फिर नेक्स्ट है शो परसेंटेजेस।
जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें परसेंटेजेस भी शो हो, तो इसे भी हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ दिया है अपीयरेंस ऑफ नेम्स, यानी कि जो नेम है वो किस स्टाइल में शो हो, वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसे नेम ओनली ही रहने देंगे। फिर इसी तरह से आप यहाँ स्केल फैक्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि आप ट्रायल बैलेंस में बेस करेंसी सिंबल देखना चाहते हैं या नहीं, तो हम इसे यस करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पर शो हो गया है। आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन देख सकते हैं और ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर परसेंटेजेस भी शो हो गई हैं। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। और अब अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को ऑफ करना चाहते हैं, तो अगेन आप यहाँ पर F12 की प्रेस करेंगे। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शो ना हो, तो हम इसे नो कर देंगे और एंटर की प्रेस करते जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब ओपनिंग बैलेंस का कॉलम यहाँ से हट गया है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने डिटेल्ड में ट्रायल बैलेंस को देखना सीखा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।